सो गाइस दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज माय लिपस्टिक्स। तो मैंने सोचा, हाय गाइस, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मैकी लिपस्टिक का हॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास इस बॉक्स में 7 to 8 मैकी लिपस्टिक है, उनका मैं एक एक का स्वॉच करूंगी और अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मतलब उसका जो फाइनल फिनिश है और कैसी है। और उसका वन बाय फर्स्ट लिपस्टिक इज दिस, दिस इज आवर सैटिन लिपस्टिक और इसका जो शेड नंबर है वो 815 है। मैं इसका स्वॉच करके बताती हूँ। ये जो कलर है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है, तो आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा ब्राउन कलर शेड है, मतलब आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हो। मैं इसको कभी कभी अपने ऑफिस में लगाती हूँ। दिस इज लाइक, बहुत कंफर्टेबल है और आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउन शेड है, हल्का सा डार्क शेड है। तो मैंने मेकअप किया है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्टैंड आउट हो रहा है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो इट विल लुक गुड और डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हो। और बहुत ही लाइट वेट है, ये मैट नहीं है, मतलब कम्फर्टेबल है, मैट लिपस्टिक नहीं है ये। अगर मैं बोलूँ ट्रांसफ़र प्रूफ, तो ट्रांसफ़र तो होगी, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफ़र तो होगी, बट ये है कि दिस इज लाइक कम्फर्टेबल लिपस्टिक। दिस इज ऑन हायर साइड। जो मैक की लिपस्टिक्स होती हैं वो अराउंड 2 to 3 thousand होती हैं, बट इट्स अगेन वर्थ इट होता है। और ये आपका कॉल होता है कि आपको लेना है कि नहीं। इज सैटिन लिपस्टिक, द शेड इज कैप्टिव 80। की वाली जो लिपस्टिक है ये मिनी लिपस्टिक है और इसका जो कलर है ये थोड़ा सा मॉव जैसा है, पिंकिश एंड मॉव जैसा है। शो यू कि इसका जो फाइनल फिनिश होता है वो कैसा होता है। You are about to own it. Walk your worth on the red carpet. Tell me how you like it. Paparazzi screaming your name. We wanna see you shine. ये थोड़ा सा पिंकिश में आप देख सकते हैं कि आपका कोई पिंक सा या फिर वाइन कलर का आउटफिट हो तो ये वाली लिपस्टिक इस पर बहुत जाएगी। दिस इज़ नॉट लाइक रेगुलर बेसिस जो कलर होता है, लेकिन जैसे आप शादी पार्टियों में जा रहे हैं या फिर आपने कोई रेड, आपने कोई वाइन कलर का ड्रेस पहना है तो उस पर ये बहुत अच्छे से सूट करेगी। मैंने इसको बहुत यूज़ किया हुआ है। ये चेक करते हैं कि अब ये ट्रांसफ़र होती है कि नहीं होती है। सो यू कैन सी कि ये ट्रांसफ़र होती है। जो इस टाइप की लिपस्टिक होती हैं वो ट्रांसफ़र तो होती हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी, बट या कंफर्टेबल होती हैं और अच्छे लंबे टाइम तक चलती हैं, मतलब 4 to 5 hours का अच्छा टाइम चलता है कि इतनी जल्दी से ये मतलब हटती भी नहीं है। सो या इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कंसिडर टू बाई दिस लिपस्टिक एज वेल। वर्जन होता है ना ये वाला, ये 1000 to 1500 तक का मिल जाता है। तो जो हमारा थर्ड आइटम होने वाला है ये है एक और हमारी मिनी लिपस्टिक। सो जो ये वाली लिपस्टिक है ये मैट लिपस्टिक है और इसका जो शेड नंबर है वो डीवा है, 603 शेड नंबर है। सो लेट्स सी कि इसका फाइनल फिनिश कैसा होता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसी दिखती है। सो ये इस टाइप की ब्राउन है और डार्क ब्राउन है। तो जो ये वाली लिपस्टिक भी है ना, ये भी मतलब पार्टी वियर टाइप है, डेली वियर के हिसाब से नहीं है। ये एक वाइन जैसा कलर है, मतलब कि ना तो ये ब्राउन साइड में है और ना ही ये बिल्कुल पिंक साइड में है, उसका ही मिडिल रेंज है। बट दिस इज लुकिंग वेरी वाला जो कलर है ये भी है ना, एक बोल्ड साइड पर है। अगर आपको जैसे शादी पार्टियों में जाना है तो वहाँ पर ये आप इसको कैरी कर सकते हैं, इट विल लुक
रियली गुड। ये वाला जो लिपस्टिक का शेड है ये रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाला नहीं है, मतलब आप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि कोई न्यूली वेड ब्राइड होती है या फिर न्यूली जिसकी शादी होती है अगर वो यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे पर्सनली मैं थोड़े से न्यूट्रल कलर पे ज्यादा जाती हूँ, जैसे पिंकिश हो गए या न्यूड कलर हो गए ब्राउन में पिंक में, तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन जैसे मैं अगर पार्टी में जा रही हूँ शादी में जा रही हूँ तो मैं इस टाइप के बोल्ड कलर प्रेफर करती हूँ अकॉर्डिंग टू द ड्रेस एज वेल। सो या यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस मैट लिपस्टिक है, बट बहुत कंफर्टेबल है ये एकदम। बहुत ही जैसे मैट क्या होते हैं ना, आपके लिप्स को थोड़ा रूखा सूखा कर देती है, या फिर उसके नीचे आपको कुछ उसका लिप बाम या फिर कुछ यूज करना पड़ता है, जैसे कि प्राइमर्स भी आते हैं जो हम लिप प्राइमर्स भी आते हैं जिनको लिपस्टिक के पहले यूज कर सकते हैं, मैट लिपस्टिक जो होती है उनके लिए। तो मेरे पास कलर बार के हैं मैं, मतलब पर ज्यादा यूज नहीं करती हूँ मैं, जो लिप बाम होते ना वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो या यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस इज लुकिंग, इफ यू वॉन्ट यू कैन बाय। और इसका भी जो प्राइस था वो अराउंड 1,000 to 1,500। नेक्स्ट लिपस्टिक है वो बहुत लोगों की फेवरेट लिपस्टिक है, मतलब मैंने इसका इतना हाइप सुना है, इतना हाइप सुना है। और ये वाला जो कलर है ना, दैट इज द यूनिक रेड कलर। सो आई थिंक बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सी वाली लिपस्टिक है, मतलब आई जस्ट लव लव दिस लिपस्टिक। और मेरे पास इसके एक नहीं दो कलर है, मतलब दो मेरे पास, एक इसका मिनी वर्जन भी है और फुल लिपस्टिक भी है। सो दिस इज आर मैक रूबी वू, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी फेमस लिपस्टिक। जो ये शेड है ना, ये यूनिक शेड है, और मतलब इसके बहुत सारे ड्यूब भी हैं, बट आई जस्ट लव 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 दिस लिपस्टिक। तो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है, मतलब कैसा इसका फाइनल फिनिश होता है। लेट मी ओपन दिस लिपस्टिक। बहुत फेमस है और ये मैट साइड में है, तो अगर आपको इसको वियर करना है तो उसके नीचे या तो आप लिप प्राइम करिए या फिर एक जो अच्छा सा लिप बाम होता है वो यूज़ करके देन इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मैट है तो वो उतनी जल्दी से अप्लाई नहीं होगी और इसका एप्लीकेशन इट्स नॉट ईजी, मतलब इतना ईजिली अप्लाई नहीं। इसके अंडरनीथ लिप बाम यूज़ करो। सो या एंड दिस लिपस्टिक इज ऑल्सो अराउंड 1,000 to 1,500 के अराउंड होगी, मिनी वाली आता है, फुल साइज जो इसकी लिपस्टिक आती है वो अराउंड 2,000 to 3,000 होती है। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप मिनी भी ले सकते हो, वो भी बहुत लंबा लास्ट करती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो बुलेट लिपस्टिक होती है उसमें ये वाली लिपस्टिक, ये वाली फुल साइज लिपस्टिक है। ये वाली जो है पाउडर की लिपस्टिक है और इसका जो शेड है स्टे क्यूरियस 920। जो ये वाला कलर है ये मतलब थोड़ा सा पिंकिश साइड में है और एवरीडे यूज़ का है। जैसे जो मैं पर्सनली पाउडर की लिपस्टिक की उतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, तो ये वाली लिपस्टिक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी है, बट स्टिल मैं इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ कि इसका कैसा दिखता है। और ये भी कम्फर्टेबल ही होती है, इट जस्ट कि पर्सनली मैं उतना प्रिफर नहीं करती हूँ पाउडर की लिपस्टिक। Spotlight.
की जो लिपस्टिक है ये भी बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पर। ऑल्सो जो नायका की पिंक फ्राइडे सेल आती है, जो बड़ी बड़ी सेल आती है ना, जिस पर जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स पर ऑफर होते हैं, तो उसमें मैक पे भी ऐसा आता है कि बाय टू गेट वन फ्री होता है। तो इस टाइप के ऑफर अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लाइक दो प्रोडक्ट को आप परचेज कर लो एंड जो थर्ड प्रोडक्ट होगा वो फ्री आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे हुआ था, तो मुझे ये फ्री मिली थी। सो या दिस इज ऑल्सो प्रिटी कलर, सो यू कैन कंसिडर अगर मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू बाय। सो मेरे पास मैक की दो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, वो मतलब शेड हैं, वो बहुत ही प्रिटी कलर हैं। तो लेट मी शो यू द फर्स्ट लिपस्टिक। लिपस्टिक है वो ये वाली है, ये वाला जो शेड है ये टॉप्ड विद ब्रांडी कलर है। तो ये वाला जो शेड है ये मैंने बहुत यूज़ किया है, मतलब मैंने इतना इसको लगाया है, जैसे मैंने जो ये आउटफिट पहना ना, अगर मैं इसको बाहर जाती तो मैं इस वाली लिपस्टिक को ही कैरी करती। तो ये लाइट जो कलर्स होते हैं ना, वाइट कलर या फिर ऑफ वाइट होते हैं, उस टाइप के कलर्स पे मतलब उस टाइप के जो आउटफिट्स होते हैं उस पर ये बहुत अच्छी लगती है। तो या लेट मी शो यू, दिस लिपस्टिक इज ऑन मैट साइड, सो लेट मी शो यू। बहुत लाइट वेट है मतलब, बट ये मैट साइड में है, तो मतलब आप जब इस लिपस्टिक को यूज़ करोगे तो या तो अपने लिप्स को प्राइम कर लो, लिप प्राइमर भी आता है, या फिर आपके पास एक अच्छा सा लिप बाम हो तो वो भी आप कैरी कर सकते हो इसके नीचे। तो दिस लिपस्टिक इज़ ऑल्सो गुड एंड आप देख सकते हो कि दिस कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। सो ये थोड़ा सा मॉव साइड में, पिंकिश साइड में, मतलब मॉव साइड में ज़्यादा है, और लाइट जो आउटफिट्स होते हैं उस पर बहुत अच्छा मतलब फ्लैटरिंग लगता है ये वाला। सो जो ये वाली लिपस्टिक है ये ट्रांसफर नहीं होती है, यू कैन सी। तो ये वाली लिपस्टिक इतनी ट्रांसफर नहीं होती है, मतलब हल्की फुल्की होगी पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो यू कैन कंसिडर टू बाय दिस इफ़ यू वॉन्ट, बट ये हाँ ये ग्लॉसी नहीं है मैट साइड में। तो जो ग्लॉसी लिपस्टिक होती है वो तो ट्रांसफर होंगी ही होंगी, क्योंकि मैट लिपस्टिक थोड़ी सी ऐसी होती है कि जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और जो ग्लॉसी लिपस्टिक होती है वो ट्रांसफर होंगी ही होंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे एक बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक है तो मैं उसको डेली वेयर पे मतलब डेली बेसिस पे वेयर करती हूँ और वो ट्रांसफर होती है, बट आई डोंट माइंड। उस टाइप की लिपस्टिक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस वाली लिपस्टिक को मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना और मुझे कोई लाइट आउटफिट होता है तो मैं उस पर कैरी करती हूँ, कभी कभी ऑफिस में भी कर लेती हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी प्रिटी कलर एंड पर्सनली माई फेवरेट कलर। लास्ट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक इस हॉल की, वो है एक और हमारी, वो है हमारी ये वाली लिक्विड लिपस्टिक। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी प्रिटी कलर। सो ये वाला जो कलर है ये थोड़ा बोल्ड साइड पर है, तो बेसिकली आप मतलब कोई भी बाहर अगर फंक्शन हो, पार्टी हो, तो उसमें कैरी कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी कलर। लेट नो मी हाउ यू लाइक इट, पैराडाइज इज स्क्रीमिंग योर नेम, वी वांट टू सी यू शाइन। वाली लिपस्टिक भी कितनी प्रिटी लग रही है, ये बोल्ड साइड पर है, तो मतलब आप फंक्शंस में या फिर कुछ पार्टीज में इसको कैरी कर सकते हो, और ये भी मैट साइड में। तो इसके अंडरनीथ भी आपको या तो लिप प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा या फिर एक लिप बाम यूज़ कर सकते हो, अच्छा वाला कोई सा भी आप यूज़ कर लेना। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी कलर। या ये वाली लिक्विड लिपस्टिक है, इनका प्राइस भी 2000 to 3000 था, तो मैं आप मतलब स्क्रीन पर डाल दूंगी। और हाँ, ये वाली लिपस्टिक तो मैंने दोनों खुद से ही परचेज करी थी, कोई भी ऑफ में नहीं ली थी, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी ऑफ में जो आता है ना वो कलर उतना मतलब आप चाहते हो वो कलर नहीं आता है कभी कभी, तो मुझे पर्सनली दोनों कलर चाहिए थे तो मैंने इसको गाई। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। और जितने भी मेरे पास शेड्स थे मैंने इस हॉल में सबको इंक्लूड कर लिया है। आई होप आपको मेरा जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उन सभी की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको किसी को भी परचेज करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। यस एंड ऑल्सो मैं मतलब मोस्टली जो ऑनलाइन परचेसिंग करती हूँ वो नायका से या फिर टीरा से मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। 2-3 आइटम ही परचेज किए थे मतलब डेली बेसिस के लिए, बट नायका से मैंने बहुत परचेज किया है। तो नायका इज़ अ वेरी मतलब गुड वेबसाइट और ट्रस्टेबल है। और अगर नहीं है तो आप सिफोरा में जाके भी ट्राई कर सकते हो। सिफोरा में भी अभी जो एंड ऑफ सीज़न है ना, एंड ऑफ मंथ उसका सीज़न चल रहा था, तो वहाँ पे भी 50% ऑफ या 20-30% ऑफ था।
या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड प्लीज़ टेक केयर अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो विल कम। बाय।